में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत यानी जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं। उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक यानी निमेश शून्य हैं और तारे यानी पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए, विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यानी यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो उन्हें देखने लग जाते हैं। सब ने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बहुत ही सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निस्पृह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसे विश्वास हो गया कि रामचंद्र ही धनुष तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिवजी के विशाल धनुष को बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में ही जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यों सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवा कर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे यह बात सुनकर बहुत ही हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे वे मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके यानी जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र यानी निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता यानी परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जग जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय सियाराम।